निशा भार्गव और ये ठंडाई की रेसिपी बता रही हूँ। ये ठंडाई तैयार है पर इसके अंदर क्या क्या डलता है। खरबूजे की मींगी, सौंफ, काली मिर्च, बादाम। उसके बाद इस सब को, बादाम को अलग रख लो और बाकी के सामान को मिक्सी के अंदर सूखा ही पीस लो। फिर उसको दो तीन घंटे आप एक कप, अगर आपको एक बॉटल बनानी है तो उसके लिए एक कप मिक्सचर तैयार करना होगा। तो 3/4 कप आप सूखा उसको पीस लें और 2 घंटे के लिए उसको भिगो दें। उसके बाद बादाम जो है अलग भिगो कर और छील कर मिक्सी के अंदर पीस लीजिए। तो जब आप इसको मसाला आपका जो भिगा हुआ है उसको मिक्सी में चलाएं और 2-3 बार पानी डाल डाल के उसको छानते रहें जब तक कि उसका ऐसा लगे कि पूरा उसका वो नहीं निकल गया हो, पूरा तैयार हो गया। और उसके बाद उसके अंदर जैसे एक बॉटल है तो 1/2 किलो चीनी डालकर आप पहले उसको बॉटल में उस लिक्विड को तो नाप कर लें और उसके बाद उसमें चीनी मिला के गैस पर थोड़ी सी देर पका लें। अगर आपको प्रिजर्वेटिव डालना है तो जब बिल्कुल ठंडी हो जाए, ठंडाई लगे कि बिल्कुल ठंडी है, तब आप उसके अंदर बेटा वाई सल्फाइड थोड़े से गुलाब जल में लेकर और घोल कर और उसके अंदर में ला दें। बस फिर ठंडाई तैयार है और बॉटल में भर के रख दें। और जब बनाने हो तो आप गिलास में इतना डालकर, अगर उसमें केसर डालनी हो तो वो उसके साथ ही बादाम के साथ ही पीस लेनी चाहिए। ये ठंडाई आपके तैयार हो। अब इसमें आइस डालना चाहें तो आप आइस डाल सकते हैं।